हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं बिगिनर सीरीज चेस्ट वर्कआउट। पांच मसल ग्रुप करेंगे, अपर, मिडिल और लोअर, इनर, आउटर। ओके, ये वर्कआउट में जो है बिगिनर सीरीज है, अब मैं इसमें सीखो। वन वीक पूरा है बिगिनर सीरीज आता, अगेन उसके बाद जो है आपको डेली एक वर्कआउट आता, उसको देख के सीखिए। ओके, चलो ऑलराइट, वर्कआउट स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला सेट करना है अपने को पुशअप्स करना है, बिग लाइन पुशअप्स। ओके, 15 के 3 सेट्स करना है, क्योंकि बिगनर है, 15 नहीं आया तो 10 करने की कोशिश करें। ओके, पैरों देखो, इस पर पैड पे लगा करना है, फ्लोर पे कर सकते हैं, और इस पर करने से क्या बोलते हो, चेस्ट पे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। ओके, देखो चेस्ट मार रहा हूँ, शोल्डर पंप हो रहा, कुछ बॉडी में गलत हो रहा, सेपरेशन आ रहा नहीं आ रहा देख के बताओ। शोल्डर के अंदर पहले से तुम्हारे अरबाज में बैठे हुए, वर्कआउट हो गया, फिर जाने वाले, हाथ को मार लेगा, लेग मार रहा बोलते भी नहीं मार रहे, बताएंगे अपन लेग के दिन। ओके, चलो पूरा वीडियो देखो। बिगिनर के लिए जो है हम कर रहे हैं अब सेकेंड एक्सरसाइज इंक्लाइन बेंच प्रेस। ये बेंच पे करने नहीं आता, आप क्या करो, ये बेंच पे भी कर सकते हैं आप। ओके, चलो वर्कआउट स्टार्ट करें। बहुत से बच्चों को जो है, बिगिनर्स को ये वेट नहीं उठता, ये राड वाला, तो क्या करो, इंग्लैंड पे आप डंबल लेके कर सकते हैं, बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ मैं। ओके, जो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है आपके पास, इस पर पहले करो 15 राड से, अगेन उसके बाद जो है आप प्लेट्स लगा कर सकते हैं फर्स्ट वीक में। सेकेंड वीक में आप थोड़ा 2.5, 5, 7.5, 10 ऐसा हल्लो हल्लो ग्रेजुअली बढ़ा लेते जाने की कोशिश करो। ओके, सेम 15, 12, 10 रिपीटेशन लेना है, 15, 12 नहीं आता तो 10 के 3 सेट्स भी कर सकते हैं आप। ओके, बोलना था आप लोगों को, बाद बच्चों को जो है इसमें इनबैलेंस हो जाता है वेट, तो क्या करो, स्मिथ मशीन रहती है ना अपने पास, वो मशीन पे करने की कोशिश करी। ओके, या तो ये भी यही बेंच पे, ना तो वो इंग्लैंड एडजस्टेबल बेंच रहता ना, उस पर 2.5 का डंबल लेके स्लो और कंट्रोल वे में करो। ओके, नहीं तो ट्रेनर रहते, ट्रेनर को पूछ के कर सकते हैं। ईगो ट्रेनिंग ना को करो, लोगों को देखो मत, ना आप पे फोकस करो। ओके, चलो नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी फ्लैट बेंच प्रेस, इसमें भी जो है सेम 15, 12, 10 लेना है। अगेन आपको मैं पहले बताया था कि एम्प्टी राड से करो, बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, ये बिगिनर सीरीज है। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीक आपको इंटरमीडिएट वालों के लिए आता वीडियो। ओके, ये मैं, मेरे को आदत है, मेरा बेंच 100 kg से बोल के मैं 10 लगा के कर रहा हूँ, आप जो है एम्प्टी राड पे करने की कोशिश करिए, सेम रिपीटेशन रहेंगे इसमें भी। पकड़ दे राड पे से मेरे भाई, ऐसा पकड़ना नहीं है, क्योंकि स्लिप होगा तो जो है आपको चेस्ट पे आगे लग जाती, ईगल ग्रिप पकड़ना कभी भी। ओके, ये थंब भी जो है इंक्लूड करना है और बहुत से मेरे बिगनर भाई जो है निकालने के टाइम पे, रखने के टाइम पे जो है थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो जो मेन टाइम है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, आप रखने के टाइम पे थोड़ा बहुत उधर उधर ध्यान चले जाएंगे आपका, तो राड जो है आपके ऊपर आके गिरने की वो पूरी
वो रहती समझो गुंजाइश। आज पब्लिक कम है जिम पे, अपने टाइम भी ज़्यादा हो गया, 10-20 हो रहे। थर्ड एक्सरसाइज जो है हमारी डिक्लाइन बेंच प्रेस, ये भी बहुत ज़रूरी है लोअर चेस्ट के लिए। बात लोग जो है बिगनर या नहीं कर रहे, इसको भी करो, इंक्लूड करो और चेस्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट देखिए आप। ओके, इसके भी सेम 15-12 रेपिटेशन लेना है आपको। इस पर जो है बात लोगों का वेट नहीं उड़ता, तो क्या करो वेट रिमूव करके एम्प्टी रॉड ही करिए आप। एम्प्टी रॉड भी नहीं आ रहा तो क्या करो 2.5 का डंबल ले लो, ले लेके स्लो और कंट्रोल वे में करने की कोशिश करो। ये अपर चेस्ट पे जो है ना, अपर हो गया, मिडिल हो गया, लोअर चेस्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये अब ज़रूर ऐड करिए। पहले बैठ जाना है, पैर लॉक करना है। गेन हाइट ज़्यादा है तो आप ऊपर लगा सकते हैं, हाइट मीडियम मेरे ही सी है तो आप यहाँ लगाइए फर्स्ट पे। चलो ये भाई, आपको मैं जैसा बताया वीडियो में वैसे ही करो। बाद का मतलब जो रॉड है ना इनबैलेंस हो रहा था, पीछे एक सपोर्टर को, नहीं तो आपके दोस्त उसको भी पीछे ठहराने की कोशिश करो। ओके चलो अपना फोर्थ सेट पे चलते हैं। लास्ट और फाइनल एक्सरसाइज है अपनी पिक डेक फ्लाई, बटरफ्लाई बोलते हैं इसको। आप जो है ये करो लास्ट एक्सरसाइज, इसके बाद बोलेंगे फिर बच्चे आके कमेंट करेंगे कि भाई अभी तेज एक्सरसाइज दिखा क्या बोलो। आप बिगिनर है नए है, यही एक्सरसाइज आपको बहुत हो जाते हैं, समझ गए। पूरे एक्सरसाइज कर लेके खिचड़ी खट्टा पूरा एक में डाल लेके पूरा कर लेके दूसरे दिन बॉडी पेन रख लेके आप नहीं आते। ये जो है ना बेसिक है, बेसिक से आपको इंटरमीडिएट पे जाते आप, अगेन उसके बाद एडवांस पे आते, उसके बाद प्रोफेशनल बन जाते, कोई बताने की ज़रूरत नहीं रहती आप। ओके, ये जितने भी चीज़ें बताया बिगिनर के लिए 4 एक्सरसाइज मोर देन इनफ है। पुशअप्स मिलाए तो 5 होते, इसके बगैर कुछ भी ना करना 1-2-3 महीने तक। अगेन उसके बाद आप इंटरमीडिएट लेवल पे जाते, जब आप अंडर गाइडलाइन में रहते थोड़ा बहुत, कौसी कौसी चीज़ कैसा करना क्या है सब आपको मालूम हो जाते, अगेन उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं और 2 चीज़ें बढ़ा सकते हैं उसके अंदर। ओके, पूरे आते पूरे मशीना मार ले गए, दूसरों को करने नहीं आए थे, एक एक बेंच के पास 5-5 लोग ठहरे हुए रहते, दूसरों को भी जगह देना और एक एक बेंच पे 4-4-5-5 जो ना नको ठहरो, ट्रैफिक जाम हो जाती, दूसरे को भी करना रहता, टाइम रहता, उसको भी जाना रहता, समझ गए। आप लोगों में एक ही बात समझाते रहता हूँ, जो भी सेट कर रहे फटाफट करके नेक्स्ट क्लाइंट को आप करने की देने की कोशिश करिए। ओके चलो, सेट कैसा करना है आपको मैं आपको बताता हूँ। आपके बॉडी के अकॉर्डिंग आपके हिसाब से वेट लगा लो मशीन के अंदर, जैसा कि बिगनर है तो 20-15 के ज़्यादा नको लगा। ओके, क्योंकि जो है ना पीछे खींचता, पीछे खींचने का टाइम पर क्या आता आपका फ्रंट डेड पे ज़्यादा आता। ओके, इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। ये जो लॉक जो है जिम में ट्रेनर रहते हैं, ट्रेनर को पूछ के एडजस्ट कर सकते हैं आप, 3 पे नहीं तो 4 पे लगा सकते हैं। ओके, इसके भी सेम 15-12-10 3-4-5-6-7-8 9 10 11 12 13 14 15। और बाद लूँगा जो है थोड़ा धीरे छोड़ देते मशीनों को, इंटरमीडिएट वाले भी हों तो एडवांस वाले भी, थोड़ा मशीनों को देख समझ के यूज़ करो, क्योंकि मेंटेनेंस जो है बहुत ज़्यादा जाता महीना आते की। ओके चलिए गाइस, अपना आज का वर्कआउट खत्म हो गया, फिनिश है आज के लिए, इतना ही बिगिनर्स के लिए। ज़्यादा कुछ मत करो क्योंकि ज़्यादा करने से आपके बॉडी पेन्स आते। कल एक न्यू वीडियो के साथ फिर नया वर्कआउट के साथ अपन मिलेंगे नेक्स्ट डे। कल का वर्कआउट रहेगा अपना शोल्डर, और बिगिनर्स भाई जुड़े रहो अपने साथ, इसके बाद आएगा इंटरमीडिएट सीरीज़, वो भी आपको मैं पूरा सिखाऊंगा। अपने पास जो है नेचुरल सीरीज़ है,
इनहेंस देंगे स्पीड रिजल्ट आने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है आपको, जो है नेचुरल में बनने के लिए बहुत टाइम लगता है, इनहेंस में जो है अलग है, नेचुरल में अलग रहता रिजल्ट। ओके चलो मत पड़ो चक्कर में, कोई भी नहीं टक्कर में, स्टे फिट स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।